परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी हुई और परिणीति चोपड़ा को ट्रोल करना शुरू कर दिया गया कि परिणीति चोपड़ा ने पैसे के चक्कर में राघव चड्ढा से शादी की। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। परिणीति चोपड़ा के पास इतने पैसे हैं कि वे अपने लाइफ को लग्जरियस तरीके से जी सकती है। परिणीति ना ही कोई फिल्म करती है तो फिर परिणीति के पास पैसे कहां से आए? तो आपको बता दें, परिणीति कई बड़े ब्रांड के साथ काम कर चुकी है। एक ब्रांड डॉट्स के लिए परिणीति 50 से 60 लाख रुपए लेती हैं। जानी मानी दवाई कंपनी क्लिंस्टा में भी परिणीति के शेयर हैं। इतना ही नहीं, हैदराबाद बेस्ड ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी तृतीया में परिणीति ने इन्वेस्ट किया है। नोकिया, लक्स, वडीलाल, बोरोप्लस, कुरकुरे जैसे कई ब्रांड हैं जिसे परिणीति चोपड़ा इंडोर्स कर चुकी है और इस तरह परिणीति चोपड़ा के पास अच्छे खासे पैसे हैं। इन सब के अलावा परिणीति को कार का भी काफी शौक है और कई लग्जरियस कार है जैसे की ऑडी A7, रेंज रोवर, जगुआर। ये सभी कार जो कि परिणीति चोपड़ा के पास है और इन सभी कारों की कीमत 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच है। परिणीति चोपड़ा जिस बंगले में रहती है उसकी कीमत 40 करोड़ है और यह इलाका मुंबई के पॉश इलाकों में से एक है जहां पर सलमान खान, शाहरुख खान जैसे सुपर स्टार रहते हैं। परिणीति मूवी के अलावा अपने बिजनेस में भी हाथ आजमा रही है और इस तरह से परिणीति अच्छी खासी कमाई कर रही है। वही राघव चड्ढा की बात करें तो राघव चड्ढा की कुल संपत्ति 36 लाख है। परिणीति के पास तो कार ही सिर्फ 1.5 करोड़ की है। ऐसे में परिणीति राघव चड्ढा से पैसे के लिए शादी की है ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि परिणीति और राघव चड्ढा एक दूसरे को बहुत दिनों से जान रहे थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए दोनों ने शादी कर ली।